जैसे कि देख सकते हैं गाइस, मेरे हाथ में एसटी कॉइल है। इसका मेजरमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि कितना पॉइंट रहने से ये एसटी कॉइल सही है। इसी को बोतल कॉइल भी बोल सकते हैं आप। अब आपको मल्टीमीटर को जरिए बताने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से मल्टीमीटर को लेने का और 200 पे सेट कर लेने का। देखो गाइस, हमने 200 पे सेट कर दिया है। अब आपको इसका रीडिंग बताने वाला हूँ, इसमें कितना रीडिंग है, कितना रीडिंग रहने से ये आपका बाइक सही चलेगा। कुछ इस प्रकार से हमने एक कॉइल को लिया, इसी को माप करके बताने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइस, दोबारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 200 पे सेट कर दिया है, देख सकते हैं गाइस। इसमें 2.2 मतलब इसमें 3 से लेके 5 पॉइंट तक रहना मांगता है, मतलब 3 से लेके 5 पॉइंट तक। एक कॉइल आपका ख़राब है और दूसरा वाला को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं इसमें बता रहे 3.6। अब आपको 3 नंबर दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं इसमें 3.7, मतलब ये दोनों एसटी कॉइल सही है गाइस और ये ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं गाइस, ये नया कॉइल है लेकिन ये शॉर्ट हो गया है, और ये दोनों जूना वाला है लेकिन ये सही है। इस वीडियो में गाइस आपको इतने हैं, जितना मेरे से जानकारी था आपको दे दिया है। इसी तरह वीडियो आपको टेक्निकल मिलता रहेगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।